दोस्तों, प्रकृति ने कई अजीबोगरीब जानवरों को इन जंगलों में जन्म दिया है। किसी को तेज उड़ने का हुनर तो किसी को तेज दौड़ने का हुनर। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे स्लो या धीमा चलने वाला जानवर कौन सा है, जिसकी अधिकतम स्पीड 3.0 मीटर प्रति मिनट होती है? अगर नहीं जानते तो हम बताएंगे आपको। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम बात कर रहे हैं स्लॉथ की। दोस्तों, स्लॉथ दुनिया का सबसे स्लो चलने वाला जानवर है, जो कि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। पूरी दुनिया में स्लॉथ सिर्फ दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगलों में ही पाया जाता है। यह प्राणी हमेशा पेड़ों की डालियों पर लटकते हुए रहते हैं। वो तभी नीचे आते हैं जब उन्हें मल त्यागना हो। तो दोस्तों, स्लॉथ का पेड़ से नीचे न उतरने का सबसे बड़ा कारण यह है, स्लॉथ के पैर के पंजों में लंबे लंबे और मुड़े हुए नाखून होते हैं, जिससे वो जमीन पर तेज भाग नहीं सकते और जिसके कारण उसका किसी जानवर द्वारा शिकार हो जाने के 99% चांस होते हैं। क्योंकि स्लॉथ की अधिकतम चलने की स्पीड 3.0 मीटर प्रति मिनट होती है, जिसकी वजह से स्लॉथ कई बार तेंदुआ या बाघ का शिकार भी हो जाते हैं। दोस्तों, स्लॉथ एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन का 90% भाग पेड़ पर उल्टे लटकते रहने में बिता देता है। दोस्तों, स्लॉथ के वजन की बात करें तो इनका वजन 4 किलो से 6 किलोग्राम के बीच होता है। और दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, स्लॉथ एक बार में सिर्फ 3 ग्राम ही पत्तियां खाता है, और इन्हीं पत्तियों को पचाने के लिए इसे 30 दिन का समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, स्लॉथ अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। दोस्तों, आलसी जानवरों में स्लॉथ की नंबर टॉप पर गिनती आती है, क्योंकि ये 8 से 16 घंटे सोता है। यह सालों तक पेड़ों पर लटकते रह सकते हैं, और कभी कभी इनकी मौत पेड़ों पर लटकते लटकते हो जाती है। दोस्तों, ये था आज का आलसी जानवर। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो आगे की बात आप जानते ही हो, तो जल्दी से कर दीजिए। ओके, मिलते हैं किसी नए एनिमल के साथ। जय हिंद, जय भारत।